Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Sabko Jai Masih ki. Greetings to you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Dhanyavaad ho. Lord, we bless your name. Lord, we praise your holy name. Hallelujah. We magnify you, Jesus of Nazareth. Magnify you, King of Glory. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह आपकी क्रूस की मृत्यु के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह आपके मृत्यु, अधोलोक और शैतान की कुवतों के ऊपर जयवंत होने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you. Bless you, Jesus. Mukti Data Bakshanhara. Mukti Data Bakshanhara. Palanhara. वही पालनहारा वही, झुक झुक जाओ शीस न बाओ, झुक झुक जाओ शीस न बाओ, सबका सहारा वही, सबका सहारा वही, यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। हालेलुया, लॉर्ड वी ब्लेस यू, ब्लेस योर नेम यहोशुआ हमशियाक, ब्लेस योर होली नेम हशेम याहुआ एलोहिम एलशदाय, 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 हशेम याहुआ एलोहिम एलशदाय। तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह, हम तेरे जलाली खून को पुकारते हैं, तेरे लहू की कुदरत को इन्वोक करते हैं, तेरे लहू की ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं खुदावर। हालेलुया, तेरे खून की कुदरत काम करे, तेरे जलाली खून की कुदरत हमारे बीच में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, हम तेरे दूतों को खोलते हैं, तेरे पवित्र फेथफुल लॉयल एंजल्स को हम खोलते हैं आज की शाम अपने बीच में खुदावन। हालेलुया, और तेरी हजूरी के बादल को, तेरी हजूरी के अबर को खोलते हैं खुदावन। खुदावन जी, अपने कलाम को खोलिए यीशु के जलाली नाम में। ओपन अप योर वर्ड लॉर्ड, Lord, open up this heavenly scroll and teach us your word, that we meditate on your word, Lord, that you nurture our inward parts, Lord, that you give us the nutrient that we need for our inner man. Lord, we receive the fresh oxygen, the fresh breath of the Almighty, fresh manna, Lord. We receive fresh living water flowing out of the throne of the Father. Hallelujah.
from underneath the temple of the Most High. Lord, the river that flows, may we drink out of the fountains of living water. The hidden manna, Lord, that you have. Hallelujah. Tera dhanyavaad. खुदावंद, मैं एक एक जन को तेरे खून में छिपाता हूँ जो ऑनलाइन है. इनको, इनके लव्ड वंस को, इनके घरानों को खुदावंद तेरे जलाली खून के साए के नीचे लाता हूँ. लॉर्ड, आई प्लीड योर ब्लेसिंग. आई प्लीड द ब्लड द लैम ओवर ईच एंड एवरी वन दैट इज वॉचिंग. मे देयर ईयर बी ओपन. मे देयर हार्ट बी रिसेप्टिव. लॉर्ड, मे देयर सोल बी फ्लडेड विद द लाइट ऑफ गॉड. एंड लॉर्ड, आई प्रे दैट योर वर्ड विल बी फ्रेश मैना. Lord, fresh manna, and your word will draw us closer to Jesus. Lord, we will grow in the knowledge, in the revelation of who Jesus is through your word. Hallelujah. In the mighty name of Jesus of Nazareth, I pray. Amen. Hallelujah. आप सबको जय यीशु मसीह की. आज हमने दिन में कोई सेशन नहीं किया. I was little occupied and doing things for few people roaming around. तो आज मैं रोमन्स में एक बड़ा ज़बरदस्त पैसेज है. प्रेरित पौलुस की जो पत्री है रोमन्स, रोम की कलीसिया के लिए, ये इतनी अद्भुत है. इट विल टेक यू ईयर्स एंड ईयर्स टू स्टडी दिस वेरी लिटल टाइनी एपिसल. इट विल टेक यू ईयर्स टू अंडरस्टैंड. तो प्रेरित पौलुस, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें प्रेरित पौलुस रोमन्स चैप्टर नंबर 5, इसमें बहुत सी डॉक्ट्रिन है इसके अंदर. सो मैनी फंडामेंटल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स आर हेयर इन द बुक ऑफ रोमन्स. लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो है रोमन्स चैप्टर नंबर 5 में, बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 12 एंड टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, लाइक फ्रॉम 12 to 21. Powerful teaching that we have here hidden in this. प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 वचन से लेकर 21 तक, पहला आदम जिससे हम पैदा हुए हैं सब, पहले आदम से. जैसे मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ, आप अपने पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो उसका सही जवाब होगा आप अपने पैदा होने से पहले अपने पिताजी में थे और अपनी माता जी में थे. आपका आधा अंश आपकी माता में था, 23 क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम आपके पिता में थे. यदि आप पुरुष हो तो वो वाई फैक्टर आपके पिता से आपकी माता में गया है. यदि आप स्त्री हो तो एक्स फैक्टर आपके पिता से गया आपकी माता में. तो आपकी माता पिता के मिलाप से आप जगत में आए. तो आप अपने पिता में थे और अपनी माता में थे. और आपका पिता कहाँ था? आपके दादाजी में और आपकी दादी जी में. और आपके दादाजी और दादी जी पैदा होने से पहले कहाँ थे? आपके पड़दादा में, आपकी पड़दादी में. और आपके पड़दादा और पड़दादी कहाँ थे? आपके पड़पड़दादा, पड़पड़. ऐसे अगर हम सारे पीछे चलते जाएंगे, एक एक करके पीछे जाते जाएंगे, तो कहाँ पे कहानी शुरू होगी? हम ये नहीं कहेंगे ख़त्म होगी, शुरू कहाँ से होगी? आदम और हवा, जिनको किसने बनाया? सृष्टि के रचिता यहोवा ने बनाया. हालेलुया, थैंक यू जीसस. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ अमेरिकन प्रीचर और अफ्रीकन प्रीचर एक टीचिंग दे रहे हैं जिस वो बहुत ही डिसेप्टिव टीचिंग. आप ध्यान से सुनिए क्या वो टीचिंग. वो स्क्रिप्चर को लेते हैं जहाँ पे पहले अध्याय में लिखा है जेनेसिस 1:26 में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, और वहाँ पे लिखा मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम. मैं स्क्रिप्चर पढ़ देता हूँ आपके लिए. जेनेसिस में चलिए चैप्टर 1 और उसका मैं आपके लिए पढ़ता 26 वर्स. सुनिए. देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आ इमेज एंड इन आ लाइकनेस and let them have dominion over the fish of the sea, over the field, birds and everything. 27 verse mein main aapko leke jana chahta hu. Verse number 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. That God, male and female created he them. So that teaching is very erroneous, very deceptive.
and also very satanic. From the scripture, they develop a teaching. This is part of the Luciferian doctrine. It's part of the creed of the Illuminati. The teaching is, when God created male and female, God created the first man, he created in his image, in his own likeness. And male and female created he them. So they try to say, when God created the first man, the woman was in him, and what God did, God just pulled out woman. So what they try to say is that Adam was androgynous. आप जो अंग्रेजी जानते हैं टर्म समझ सकते हैं एंड्रोजनस क्या होता है. एंड्रोजनस का मतलब गॉड इज नीदर मेल नॉर फीमेल. तो उसने एडम के अंदर से औरत को खींच के निकाल लिया. ये कलाम नहीं ऐसा कहता. गॉड इज नॉट एंड्रोजनस. आपको मालूम ये LGBTQ जो है, ये हर तरह की परवर्जन, लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, queers, all kind of heterosexual, all kind of sexual perversion that is emerging in the world. They are saying that God is neither male nor female, androgynous. आपको मालूम कई देशों में अभी जब आपके बच्चा पैदा हो तो वो माँ बाप को डिसाइड नहीं करने देते कि ये मेल है या फीमेल है. यू कैन नॉट स्पेसिफाई द जेंडर इन द बर्थ सर्टिफिकेट. दे से लेट योर चाइल्ड ग्रो. आफ्टर योर चाइल्ड इज ग्रोन अप, then let the child decide whether he is going to be a male or a female. अगर वो लड़का है तो आप उसके ऊपर उसका लड़कापन थोपिए मत. let him decide what he wants to be. ऐसी दुनिया में आप बढ़ रहे हैं जहाँ पे androgynous God का idea है. और बहुत सारे false teacher ये teaching preach कर रहे हैं. तो प्रेरित पलूस एक बड़ी अद्भुत बात बता रहा है. खैर ये मैं टीच नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ रोमन्स चैप्टर 5 पे स्टिक करना चाहता हूँ. रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 12-21 में एक पावरफुल टीचिंग, वो दोनों आदम को कंट्रास्ट कर रहा है. एक पहला आदम है, मैंने बताया हम उसमें पैदा हुए, हम सभी, हमारा धर्म, जाति, रंग, नस्ल कोई भी क्यों ना हो, किसी देश में, किसी सिविलाइजेशन में हम क्यों ना पैदा हुए हों, हम सब पहले आदम में पैदा होते हैं. तो यीशु मसीह ने कहा वो जो पहले आदम में हम पैदा होते हैं वो लहू और मांस से पैदा होते हैं, वो हम मनुष्य की इच्छा से पैदा होते हैं. तो प्रभु क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना जीवन दिया, जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, उनके अंदर यीशु मसीह ने अपने वचन का बीज डाला. आप सीड से पैदा हुए हैं, आपके पिता के सीड से, आपकी मदर के 23 क्रोमोसोम एग से और पिता के सीड से. ऐसे परमेश्वर अपना सीड डालता है हमारे अंदर, हमारी स्पिरिट में, और पवित्र आत्मा का निर्मल पानी, कलाम, कलाम का बीज, निर्मल पानी हमें फर्टिलाइज करते हैं और हम नए सिरे से पैदा होते हैं, ना लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा. परमेश्वर का कलाम कहता है लहू और मांस कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे. तो परमेश्वर हमें नया जन्म देता है अपने रूह से और अपने कलाम से, अपने खून से धोके. तो जब हम नया जन्म लेते हैं हम दूसरे आदम के परिवार में पैदा होते हैं. हम देखिए हम कितनी यूनिक क्रिएशन है. हम पुराने आदम के परिवार से भी पैदा हुए हैं इस समय और नए आदम से भी हुए हैं. तो प्रेरित पलूस यहाँ कॉन्ट्रास्ट करता है. प्रेरित पलूस बताता है अगर आप जो वचन मैंने आपको पढ़ाया उत्पत्ति 1:26 में, आदम पूरी मानव जाति का मुखिया है. जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, आपको मालूम जब एक फीमेल बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्स डाले हुए हैं. जब एक मेल बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी यहोवा ने DNA कोड डाला हुआ है. तो जब आदम ने पाप किया, आपको मालूम हम सब कहाँ थे, हम सब आदम के अंदर थे, हवा के अंदर थे. जब हवा ने और आदम ने पाप किया तो हम पापी कैसे ठहरे, क्योंकि हम सब अंदर थे उनके. जब उन्होंने वो फल खाया, वो फल के अंदर सैटैनिक DNA था, जीवन के फल के अंदर यहोवा का DNA था, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के अंदर शैतानी DNA था. यहोवा ने कहा था ये मत खाना, समझ रहे हैं आप. तो
जब आदम और हवा ने पाप किया, हम पापी कैसे हो गए? क्योंकि हम आदम और हवा के अंदर थे। हालेलुया। इसलिए पहले मनुष्य के पाप करने से हम पापी ठहरे। हमने किया नहीं था कुछ बुरा। मैं तो अभी पैदा हुआ 1917 में, तो मैंने आदम तो 6000 ईयर्स पहले पैदा हुआ, तो मैं पापी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आदम के डीएनए में था। तो आदम के डीएनए में पाप आ गया, उसके जिनोम से, डीएनए से जितने पैदा होंगे आगे सब पाप में पैदा हो रहे हैं। बाइबल बताती है, सुनिए ध्यान से, दुनिया के अलग, दुनिया के मार्ग ये बताते हैं कि इंसान पापी इसलिए है क्योंकि वो पाप करता है। लेकिन बाइबल बताती है कि इंसान पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप करता है, बल्कि इंसान पाप करता ही इसलिए है क्योंकि वो पैदा ही पाप से हुआ है। इंसान के अंदर जो डीएनए है पाप का है, इसलिए वो पाप करता है। हालेलुया। तो लिखा है पहला आदम हेड है पूरी दुनिया का, इसी तरह यीशु मसीह हेड है नई क्रिएशन का। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 5:17-18 वचन, वहाँ लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा है सो जो कोई अब यीशु मसीह में है, कहाँ है? यीशु मसीह में। ये नहीं लिखा जो कोई अब चर्च में है या किसी डिनोमिनेशन में है। पढ़ लीजिएगा ये वचन प्लीज, बीच में मार्क करते जाइए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन, 2 Corinthians 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। मुझे एक सेकंड होल्ड कीजिए, लगता है मुझे सिम चेंज करनी पड़ेगी। जस्ट वेयर अ सेकेंड। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। आप सभी ऑनलाइन हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इफ़ यू गाइज आर ऑनलाइन। हालेलुया। सभी को आपको दिखाई दे रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस। क्या लिखा है वचन के अंदर? नई क्रिएशन का हेड है जीसस। लिखा जो कोई यीशु मसीह में है, हमें ग्राफ्ट कर दिया गया अंगूरों, हमें ग्राफ्ट कर दिया गया जैतून के ट्री में, यीशु मसीह में है। तो हम क्या है? न्यू क्रिएशन है, नई मखलूकात। लिखा है उर्दू में, न्यू क्रिएशन के लिए ग्रीक वर्ड है कैनोस किटिसिस, नई रचना। आपको मालूम नई के लिए पॉल क्या वर्ड यूज़ करता है? कैनोस। आपको मालूम है कितना पावरफुल वर्ड है? कैनोस का मतलब है ब्रांड न्यू, समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली फ्रेश, समथिंग दैट इज़ टोटली न्यू, समथिंग दैट इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। आपको ऐसे बनाता है। आपको मालूम बहुत सारे ईसाइयों को, मसीहों को, इंसानों के अतीत को, पास्ट को डिग करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे वो अंधा था ना, जिसे यीशु मसीह ने आंखें दे दी, भीख मांगता था, वो अपने घर लौटा, मोहल्ले के लोग पता है क्या कहते, अरे यार ये वही अंधा नहीं है जो भीख मांगता था, कैसे इसकी आंखें खुल गई? उनको प्रॉब्लम होगी। वो तब खुश थे जब वो अंधा भीख मांगता था। स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी बॉडी डेंजरस है, समझ रहे हैं आप? तो प्रभु आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू करता है, आपका अतीत धो देता है अपने ब्लड से। यू हैव नो पास्ट व्हाट्सोएवर। ही इज अ न्यू क्रिएशन, कैनोस वर्ल्ड है नए के लिए, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री। तो ये जो नई क्रिएशन का घराना है, इसका मुखिया है प्रभु यीशु मसीह। जो ओल्ड क्रिएशन का घराना है, उसका हेड है एडम। ये 12 चीज़ें हैं जिन्हें प्रेरित पलूस रोमन्स चैप्टर नंबर 5 में कंट्रास्ट कर रहा है। वो मैं 12 आपको बताना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। तो इफिसियों की पत्री में से जल्दी से एक वचन पढ़ें, इफिशियंस चैप्टर नंबर 2:10, इफिसियों 2:10, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स विच गॉड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड दैट वी शुड वॉक इन देम। कितनी खूबसूरत वचन है, वी आर हिज वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप समझते हैं, जैसे एक सुनार बड़ी मेहनत से गहने बनाता है, जड़ता है बीच में डायमंड इंट्रिकेट डिजाइन, ऐसे यीशु मसीह की वर्कमैनशिप हो आप और मैं, उसकी कला
आर्ट का, उसका शाहकार है आप और हम। उसने बारीकी से हमें बनाया है। हालेलुया, वी आर हिज वर्कमैनशिप, यीशु मसीह में बनाया है। ये भाई और बहनों, भलाई कीजिए, करुणा की। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। Of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless your name. Bless your name, Jesus. Bless your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Jesus. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. The internet is giving lot of problem. I think I will have to go for a broadband or something else. I have to come on the rooftop and it's dark over here and I can't open up the Bible. But what we can do is pray. Hallelujah. Tomorrow early morning, as I wake up, we have like 2 to 3 hours praise and worship session. Tomorrow morning, I will teach you those 12 things. 12 wo baatein. Jo 12 alag alag baatein jo Masih mein alag hain. Aakhri Adam mein aur pehle Adam mein alag hain. Jo Paulus Romans ke andar sikhata hai. Us pe hum manan karenge. Hallelujah. In the morning, I will teach you that. अभी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सभी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज की शाम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत जल्दी योम तिरुआ, तुरियों का पर्व आने वाला है और 18-19 सितंबर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल। बहुत विशेष दिन है 18-19 सितंबर। और मैं उससे पहले, फिर अभी हमने 3 दिन की फास्टिंग ख़त्म की है, फिर 3 डेज फास्टिंग में हम जाना चाहते हैं कि तुरियों के पर्व में और पर्व से पहले हम उपवास रख के यहोवा परमेश्वर के चेहरे को ढूंढें। अभी भी इंटरनेट इश्यू है, अब तो आपको मेरी आवाज़ आनी चाहिए।
मैं रूफ टॉप पे हूँ बिल्कुल, और हालेलुया, आ रही है आवाज़ आप लोगों को? काइंडली टेल मी, मैं स्क्रीन मूव होती देख रहा हूँ, लेकिन आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आवाज़ आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 17, 18, 19 या हम लोग 17, 18, 19, 18 to 21 तीन दिन के उपवास में चलेंगे। तो आप में से जो फास्टिंग करना चाहें प्लीज़ मुझे बताइए, जुड़िएगा आप जहाँ भी हैं कहीं भी विश्व में, जुड़े उपवास के साथ। फास्टिंग प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग एक महीने के बाद 40 डेज प्रे फास्टिंग में भी जाएंगे। 40 डेज कुछ नहीं खाएंगे, परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। तो आप लोगों की तैयारी करेगा परमेश्वर धीरे धीरे। मुझे मालूम है लोगों का ये कल्चर नहीं है उपवास रखना, अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर ये चीज़ें अपनी कलीसिया में लेके आ रहा है। ये परमेश्वर का सॉवरेन मूव है, परमेश्वर का सॉवरेन हैंड है, जो अपनी कलीसिया में ज़बरदस्त तब्दीलियां लेके आ रहा है परमेश्वर। लोग लीडर, चर्च की लीडरशिप अपनी मनमानी करती थी, अगुए शेपर्ड्स अपनी मनमानी से चला रहे थे कलीसिया को। अब परमेश्वर वापस आ रहा है, अपनी कलीसिया को वापस लेना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर सच्चे अगुओं को, जिनका दिल परमेश्वर की ओर मुड़ा हुआ है, उन्हें खड़ा कर रहा है परमेश्वर। तो भाई और बहनों, 18 टू 21 बहुत क्रूशल डेज हैं। हालेलुया, वाओ, दिस इज ट्रूली अ मिरेकल, आई कॉन्ट बिलीव दिस। ये अपने आप कैसे हो गया भाई? हमारी छत के ऊपर सभी लाइट्स ख़राब थी और ये जल गई। हालेलुया, दैट मींस कि मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ ऊपर। धन्यवाद हो। और मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताता हूँ। हालेलुया, इफ़ आई कैन रीड। हालेलुया, आइए, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर के जिंदा कलाम को कंटिन्यू करें। तो मैंने आपको बताया कि जो एक फैमिली है एडम की, उस फैमिली में जो हेड है वो एडम है, पहला आदम, और हम सब उसकी संतान हैं, और माताजी हैं हवा। हालेलुया। और एक और फैमिली है जो यीशु मसीह के ब्लड से पैदा हुई है, वो फैमिली के अंदर न्यू क्रिएशन है। एक में ओल्ड क्रिएशन है, एक में न्यू क्रिएशन है। हालेलुया। तो न्यू क्रिएशन का हेड है जीसस क्राइस्ट। दूसरा कुरिन्थियों 5:17-18 और इफिशियंस 2:10 मैंने आपको वचन दिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए वचन पढ़ें आप। प्लीज कोई टाइप करता जाइए स्क्रिप्चर्स को। आदम ने पाप किया, ठीक है, आदम ने पाप किया। उत्पत्ति 2:17-3:6 और रोमियो 5:12-21। मैं यही रोमन्स 5:12-21 इसी शिक्षा को प्रेरित पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। आदम ने पाप किया। हालेलुया। जेनेसिस 2:17 और जेनेसिस 3:6 और रोमन्स 3:5-21। हालेलुया। भाई और बहनों, इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने बताया कि आदम ने पाप किया और मैंने आपको वर्सेस दिए, लेकिन मसीह ने पाप नहीं किया। हालेलुया। मसीह को
पाप गिरा नहीं सका, मसीह के ऊपर पाप विजयी नहीं हो सका। 1 Corinthians 2:22 वहां लिखा, ही हु न्यू नो सिन, देयर इज ओनली वन मैन दैट वॉक्ड ऑन दिस प्लेनेट, हिज नेम इज जीसस ऑफ नाज़रेथ, ही न्यू नो सिन, ही डिड नॉट नो व्हाट सिन इज ऑल अबाउट, ही हैड नो नॉलेज ऑफ द ईविल एंड गुड। आदम का जो घराना है, जिसका हेड एडम और ईव है, उसके घराने में सबको नॉलेज है ईविल एंड गुड की, लेकिन एक और बंदा स्वर्ग से आ रहा है। वचन में प्रेरित पौलुस 1 Corinthians 15:54-56 में लिखता है, द लास्ट एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, आखिरी आदम जो है स्वर्ग से आया प्रभु है। वो मिट्टी का नहीं है, जमीनी नहीं है। तो 1 Peter 2:22 में लिखा, ही हु न्यू नो सिन, गॉड मेड हिम सिन फॉर अस। यीशु मसीह पापी नहीं बना, यीशु मसीह पाप बना, पाप बलि बन गया आपके और मेरे लिए। तीसरी चीज प्रेरित पौलुस क्या कंट्रास्ट करता है, लिखता है, एडम बाय वन सिन मेड मैनी सिनर्स, आदम ने पाप करके सबको पापी बना दिया, हम सबको। हम पैदा ही पाप में हो गए, बिना कुछ पाप किए हम परमेश्वर की नज़र में पापी ठहरे, बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम, बिकॉज वी कैरी हिज जीनोम, वी हैव एडम्स डीएनए इन अस। एडम वॉज मेड सिन, एडम बाय वन सिन मेड मैनी सिनर, आदम ने सबको पापी बनाया अपने पाप से, क्राइस्ट बाय वन एक्ट ऑफ ओबीडियंस मेड मैनी राइचस। जैसे आदम ने अपने एक पाप के कारण हम सबको पापी बना दिया है, वैसे मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता की, दिस इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, थैंक यू जीसस। तो एडम के एक पाप ने पूरी दुनिया को पापी बनाया, यीशु मसीह की ओबीडियंस ने पूरी दुनिया, हम यीशु मसीह ठहर गए। आप स्क्रिप्चर इसी का Romans 5:19, Romans 5:19 और 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21, Hebrews 10:1, 1 Peter 2:24। प्लीज टाइप करते जाइए ये स्क्रिप्चर। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें धर्मी बना दिया, यीशु मसीह के कारण हम सब धर्मी ठहरे, हालेलुया। चौथी अद्भुत बात पढ़ें, हालेलुया। सुनिए भाई और बहनों, मैं कंटिन्यू करूंगा चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की। तो लिखा है, एडम वॉज मेड अ लिविंग सोल, जेनेसिस में आप पढ़िए, जब परमेश्वर ने अपना सांस उसके अंदर डाला तो लिखा, एडम बिकेम अ लिविंग सोल। हिब्रू बोला, नफेश खयम, नफेश खयम बन गया। लेकिन यीशु मसीह क्या बना, यीशु मसीह बना क्विकनिंग स्पिरिट। क्विकनिंग स्पिरिट समझते हैं, मुर्दों को जीवन देने वाला आत्मा, मुर्दों को जिंदा करने वाला आत्मा है सेकंड एडम। पहला एडम सिर्फ नफेश खयम है, लिविंग सोल है, लेकिन आखिरी आदम मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पहले आदम में और आखिरी आदम में देखिए कितना अद्भुत फर्क है। पांचवी बात हम देखें, एडम वॉज फ्रॉम द अर्थ, तो इसके लिए वचन दे देता हूँ आपको, एडम वॉज मेड अ लिविंग सोल, क्राइस्ट वॉज मेड अ क्विकनिंग स्पिरिट। 1 Corinthians 5:49, 1 Corinthians 5:49, ये भी मार्क करते जाएं। मैं फिफ्थ पॉइंट में आपको लेकर आ रहा हूँ। पांचवा पॉइंट क्या है, एडम वॉज ऑफ द अर्थ, आदम
पृथ्वी का था, जमीन का था। क्राइस्ट इज लॉर्ड फ्रॉम हेवन, 1 Corinthians 5:15-47। पहला कुरिंथियों 15:47 बहुत अद्भुत वचन है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मसीह 100% परमेश्वर है और यीशु मसीह 100% इंसान है। अरे भाई इस वचन को पढ़ें, 1 Corinthians 15:47 यहाँ लिखा है, फर्स्ट एडम इज फ्रॉम द अर्थ बट द लास्ट एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। जीसस इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, ही इज नॉट 100% इंसान और 100% परमेश्वर। वो 100% परमेश्वर है, ही इज 100% गॉड, बट ही इज नॉट 100% मैन लाइक यू एंड मी। सुन रहे हैं मेरी बात? वो लॉर्ड फ्रॉम हेवन है। हम एडम के पापी डीएनए से पैदा हुए हैं, वो यहोवा परमेश्वर के अविनाशी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। मरियम की कोख में पवित्र आत्मा ने मरियम के एग को फर्टिलाइज किया है, इसलिए कलाम में लिखा है कि जो तेरी कोख में आएगा ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ द मोस्ट हाई, और लिखा है शी कंसीव द सन ऑफ द मोस्ट हाई, और लिखा है जीसस इज द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पुत्र है, और कलाम में लिखा है शी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, उसकी कोख में पवित्र आत्मा का पुत्र अर्थात यीशु मसीह आया। हालेलुया। और मैं आपको आगे का 6th पॉइंट देना चाहता हूँ, 7th पॉइंट लिखे, एडम ब्रॉट डेथ, आदम मृत्यु लेकर आया, Romans 5:12-17 एंड 1 Corinthians 16:15-21 और पढ़िए, क्राइस्ट ब्रिंग्स लाइफ, मसीह जीवन लाता है, Romans 5:17-18 Romans 5:17-18 Johannes 10:10 John 10:10 1 Corinthians 15:21-22 Hallelujah, Jesus brings life। आगे पढ़िए, आगे लिखा है 7th पॉइंट, एडम पास्ट अ सिनफुल नेचर टू हिज चिल्ड्रन। हम सब आदम के बेटे बेटी हैं, हमें आदम ने क्या दिया है? सिनफुल नेचर दी है। दिस इज़ अवर सेकंड नेचर, नेचर एट डिफॉल्ट, जिससे हम जी रहे हैं। एडम ने सिनफुल नेचर दिया है, Romans 5:12-19 Ephesians 2:3 Psalm 51:9 आदम से हमें क्या मिला विरासत में? फॉलन नेचर। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? पढ़िए आगे, यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? यीशु मसीह ने सिनलेस नेचर दी है, पाप रहित स्वभाव दिया हमें। Romans 5:19 पढ़िए, 2 Corinthians 5:17-18 पढ़िए, 2 Peter 1:4 पढ़िए। सुन लीजिए दोबारा, Romans 5:19, 2 Corinthians 5:17-18, 2 Peter 1:4 जीसस गेव अस अ ब्रैंड न्यू डिवाइन नेचर। अभी आपके ऊपर है आप कौन सी नेचर में स्वाप करते हो। मैंने बहुत से मसीहों को देखा दोनों डुअल नेचर में घूमते हैं। कभी एडम, पहले एडम की नेचर में आ जाते हैं, फिर आत्मा में आराधना प्रार्थना करते हैं तो लास्ट एडम की नेचर में आ जाते हैं। हमें जो न्यू नेचर मिला है, नया जीवन मिला है, नया रूह हमें जो मिला है, पापों की क्षमा मिली है, उसमें चलना है हमने। न्यू नेचर को, नए स्वभाव को नर्चर करना है, उसको पवित्र आत्मा का निर्मल पानी देना है, उसको कलाम की खालिस रोटी देनी है, उसे यीशु मसीह के लहू से नर्चर करना है और धर्मी लोगों के संग संगति करनी है, परमेश्वर के सच्चे कलाम को सुनना है, परमेश्वर के पवित्र लोगों के संग संगति करनी है। और जो Ephesians 2:10 में पढ़ा ना, वी हैव टू डू गुड वर्क्स, वो भले काम करने हैं जो जिसके लिए हमें ऑर्डेन किया परमेश्वर ने। ज़मीन आसमान को बनाने से पहले परमेश्वर ने जिन कामों के लिए हमें ठहराया है। 9th पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, एडम ब्रॉट कॉन्डेमनेशन, का आत्मा आया, कंडमनेशन, हम कंडेम किए गए। पढ़िए Romans 5:16-18 Romans 5:16-18 और क्राइस्ट हमें जस्टिफाई करता है।
यीशु मसीह ने कॉन्डेमनेशन हटा दी, अब हम दोषी नहीं ठहराए जाते मसीह में, वो हमें जस्टिफाई करता है, धर्मी ठहराता है। रोमन्स 5:18, रोमन्स 3:2, रोमन्स 3:24, रोमन्स 3:24, रोमन्स 5:18, 3:24 और रोमन्स 4:25। जीसस क्राइस्ट जस्टिफाइज अस वेयर एज फर्स्ट एडम कंडेम्स अस। हालेलुया। अब आप आए, हाँ इसका 9th पॉइंट। अब हाँ, आदम में हम अनुग्रह खो देते हैं, इन एडम वी लूज द ग्रेस एंड फेवर ऑफ गॉड। हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं है एडम में, परमेश्वर की करुणा नहीं है। रोमियो 4:15 पढ़िए, जेनेसिस 2:17 पढ़िए, जेनेसिस 3:6 पढ़िए, जेनेसिस 3:6 से 24 तक पढ़िए। हम अनुग्रह खो देते हैं फर्स्ट एडम में, लेकिन यीशु मसीह में हमें अनुग्रह दोबारा वापस मिलता है। रोमियो 5:15-17, रोमियो 3:24 और यूहन्ना 1:17, अनुग्रह वापस हमें मिलता है कहाँ? यीशु मसीह के अंदर। अब उसका 10वां मैं पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, एडम, फर्स्ट एडम और लास्ट एडम का कंट्रास्ट। एडम ऑफेंडेड गॉड, पहले आदम ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। रोमन्स 5:15, 17, 18, रोमियो 5:15, फिर 17 और 18, फिर जेनेसिस 3:6, फिर 17 वचन उसका और 24 जेनेसिस में। हाँ, हम देखते हैं एडम ऑफेंडेड गॉड, आदम ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, लेकिन हम यीशु मसीह में क्या पाते हैं? क्राइस्ट रिवॉर्डेड, मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्राइस्ट प्लीज्ड गॉड, एडम ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, मसीह ने परमेश्वर को खुश किया। रोमन्स 5:18, मत्ती 3:17, मत्ती 17:5, 2 पीटर 1:17, बार बार परमेश्वर कहता है ये मेरा प्यारा पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रदर रमन जी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, ये सब सैटैनिक ट्रिक है। सेटन वॉन्ट्स टू डिसीव यू थ्रू फॉल्स ड्रीम्स। यू वुड नेवर लूज योर सालवेशन। गॉड लव्स यू, यू आर हिज बिलव्ड चाइल्ड, ही हैज यू फर्मली सिक्योर इन द पाम ऑफ हिज हैंड। जीसस सेज यू आर इन माई पाम्स एंड नोबडी कैन स्नैच यू आउट ऑफ माई हैंड्स। आपको कोई यीशु मसीह के बलवंत हाथों से छीन नहीं सकता। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको छुड़ाया है, जिसने आपको अपने लहू से धोया और अपने रूह से मसा किया है, वो उससे जो जगत में है, अंधकार का राजा, उससे बड़ा है, जयवंत है, महाप्रतापी है, और उसने उससे सर को कुचला हुआ है। मैं इन सब ड्रीम्स को यीशु मसीह के लहू में कैंसिल करता हूँ, निगेट करता हूँ और डिस्ट्रॉय करता हूँ, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को रमन भाई आप पे, आपके खानदान पे खोलता हूँ, परमेश्वर की कृपा को खोलता हूँ, यीशु मसीह के लहू की शक्ति को खोलता हूँ, और मैं एंजल्स को खोलता हूँ, वॉरिंग स्पिरिट्स का हैज आपके इर्द गिर्द, आपके घराने के इर्द गिर्द लगाता हूँ, और मैं यीशु मसीह के नाम में इब्राहिम की बरकतें खोलता हूँ, लहू का बाड़ा खड़ा करता हूँ आपके इर्द गिर्द, और मैं जकराया 2:5 की अग्नि की बाढ़ को आपके इर्द गिर्द खोलता हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपको 11th पॉइंट देना चाहता हूँ। मौत राज करती है आदम के द्वारा, आदम में मौत राज करती है। पढ़िए रोमन्स 5:12, 14, 17, मौत राज करती है कहाँ? आदम में, और जीवन राज करता है मसीह में। हालेलुया। पढ़िए रोमन्स 5:17-18 और पढ़िए यूहन्ना 3:10,
हालेलुया। और पढ़िए यूहन्ना 10:10, हालेलुया। आदम में, पहले आदम में मौत रूल करती है, रेन करती है, सेकंड आदम में जीवन रेन करता है। और 12th पॉइंट आप इसका देखें, आदम के कारण पाप बढ़ा, एडम कॉज द सिन टू अबाउंड। आदम के पाप के कारण सिन ग्रो किया, अबाउंड किया। रोमन्स 5:20 में पढ़ लीजिए, क्राइस्ट कॉजेज ग्रेस टू अबाउंड। पढ़िए रोमन्स 5:20 में दोनों चीज़ें कंट्रास्ट की गई हैं। रोमियो 5:20 में मसीह के अंदर अनुग्रह बढ़ जाता है और पहले आदम के अंदर, हालेलुया, पढ़ लीजिए रोमन्स 5:20। तो देखिए यीशु मसीह ने कितना अद्भुत काम किया है, यीशु मसीह ने कैसे हमारा जीवन बदला है, यीशु मसीह ने कितनी आशीषें पोर आउट की हैं हमारी लाइफ पे। आइए, हम लास्ट एडम की औलाद हैं। वो एडम बना, ही इज़ गॉड बट ही बिकेम एडम, हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है, पहले परमेश्वर एडम को अपने स्वरूप में बनाता है, अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस में बनाता है, फिर परमेश्वर खुद एडम की इमेज और लाइकनेस में ज़मीन पे आता है ताकि हम सबको जो आदम की औलाद हैं बचाए, अपने लहू की कुर्बानी दे के, कांटों का ताज पहन के, कोड़ों की मार खा के, कीलों के साथ थोका जाके, पीठ पे कोड़ों की मार खा के, हालेलुया, एक शर्मनाक जिल्लत से भरी मौत मर के, पर वो शान की मौत है, जिल्लत भी और शान भी है, और पताल में जाके, पताल को शिकस्त देके, मौत को शिकस्त देके, यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, भाइयों और बहनों, वो हमारा हाई प्रीस्ट है। आइए दुआ मांगे। खुदावंद, मैं आपके हजूर में आता हूँ, हाई प्रीस्ट, हमारे हाई प्रीस्ट। मैं ब्रदर रमन खान को, उनकी बीवी रीना खान को, उनकी बेटियों को, माता को, उनके सिबलिंग्स को, खुदावंद आपके हाथ में देता हूँ। आप पिता के हाथ में दीजिए हमारे महायाजक, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। आज की संध्या, रोजी सिंह को आपके खून में छिपाता हूँ, साबी सुरजीत को आपके खून में छिपाता हूँ, बॉबी आर्ट को, पास्टर चरणजीत को, जसवीर सिंह सुरिंदर को, राकेश कुमार को, महतपुर से उनके घराने को, और कैलिफोर्निया में उनकी बहन और उनके पति को आपके खून में छिपाता हूँ, आकांक्षा कुमारी को इंग्लैंड में आपके लव में छिपाता हूँ खुदावंद, सुरेंद्र सुखा को आपके खून में छिपाता हूँ लॉर्ड जीसस ऑफ नेजरेथ, खुदावंद मैं जसवंत सिंह को आपके खून में छिपाता हूँ, हरदीप सिंह को आपके खून में छिपाता हूँ, अनीता रानी को आपके खून में छिपाता हूँ, डेजी वीएस को आपके लव में छिपाता हूँ, विनोद क्रिश्चन को आपके खून में छिपाता हूँ, रवि प्रकाश गुप्ता को आपके लव में छिपाता हूँ, उनके घराने को आपके लव में छिपाता हूँ, विनोद एंड विनोदनी क्रिश्चन कैनेडा से आपके लव में उन्हें छिपाता हूँ, रवि प्रकाश गुप्ता मुंबई में है या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके खून में उन्हें छिपाता हूँ, हरपाल बाजवा को, उनकी पत्नी को आपके लव में, उनके खानदान को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद, सुरेश कुमार को, मीना कुमारी को, उनके बच्चों को आपके लव में, जो इंग्लैंड में, आपके खून में छिपाता हूँ, अपने लव की कुदरत के साए के नीचे रखें, शांति थापा को अपने लव में छिपाएं खुदावंद यीशु मसीह, तनुजा सेठ को आपके हाथ में देता हूँ, आपका लव छिड़कता हूँ तनुजा सेठ के ऊपर, उनके पति के ऊपर, उनके घराने को अपने लव में छिपाएं खुदावंद, तंदुरुस्ती दें खुदावंद, हेल्थ इज़ वेल्थ, इज़न्ट दैट सेइंग सो ट्रू, एब्सोल्युटली हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, इफ़ यू हैव वेल्थ एंड यू हैव डिजीज रिडन बॉडी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द वेल्थ, यू कैंट एन्जॉय योर एन्जॉय द वेल्थ, द ओनली वे यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज as long as you live in a healthy, sound body. Healthy body and a sound mind. Hallelujah. So Lord, I release your blessing. Hallelujah. Samina Ashraf ko aapke lahu mein chipata hu. I speak blessing over her household in the name of Jesus. Lord, I cover Gurvinder Singh under your blood. Speak your blessing over this gentleman. I speak your blessing over Manisha Singhi, over her relatives, over her kinsmen. Lord, I plead the blood of the Lamb. Speak your blessing. I speak healing and divine presence over Amarjeet Kaur and her family, her household, Lord, over Daisy V.S., Lord, over Brother Kundan Shah. I speak healing, anointing. Cover Kundan Shah under your blood. Flood his soul, Lord, with divine joy.
Lord, fill this man with the light of the Lord and use him as your vessel to draw souls into your kingdom. Hallelujah. Lord Jesus, I pray for John Thomas that you cover him under your blood. Hallelujah. Lord, I pray for others whose names I don't see right now. I pray for all of them. I cover them all under your blood. Khudavan tere lahu ki jay ho. Khudavan tere jalali naam ki mehma ho. Teri stuti ho, Khudavan. Tera naam uncha ho. Yeshu Masih ke jalali naam mein is dua ko hum mangte hain. Amen. भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. द लॉर्ड ब्लेस यू. कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपसे मिलूँगा और ज़रूर अर्ली मॉर्निंग उठिएगा और जुड़िएगा संग. और 3 दिन का फिर फास्टिंग करेंगे हम. 18, 19 and 20 फीस्ट आ रही है. योम थिरुआ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उसमें प्रार्थना करना. आप सब जुड़िएगा, हम प्रार्थना करेंगे. मैं अभी ब्रदर ललित मेहरा के लिए और मिस्टर कक्कड़ के लिए भी प्रार्थना करता हूँ. खुदावंद मिस्टर कक्कड़ को, ललित मेहरा को आपके हाथ में देता हूँ, अपने खून में छिपाएं. मंगल थापा नेपाल से, उनके ख़ानदान को आपके खून में छिपाता हूँ. थैंक यू जीसस इन योर प्रेशियस नेम. आमीन. और भाई और बहनों, मेरे पास मोटर बाइक था तो खुदावन ने मेरे दिल में डाला पास्टर जी को देने के लिए. मैंने उनको अपना मोटर बाइक दे दिया और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ. कुछ आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली सो किया मोटर बाइक के लिए, लेकिन इट इज़ like little over half the price, half the amount that I have. तो मुझे अभी कुछ और अमाउंट चाहिए कि मैं बाइक खरीद लूँ. अगर आपके दिल से खुदावंद बात करे, आप सो करना चाहें, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, बता दीजिएगा कि आप कुछ बाइक के लिए सो करना चाहते हैं. और बहुत से काम हैं अभी भाई और बहनों. अभी उस जगह डोर्स विंडोज़ बनाने के लिए हमारे भाई ललित ने सो किया, जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनके बेड्स वगैरह और बाकी काम किया. अभी कुछ और काम बाकी है, तो जैसे भी खुदावंद आप लोगों से बात करे तो आप करिएगा. अगर आप कर सकते हो तो खुदावंद आपको बरकत देगा. हालेलुया. खुदावंद के काम में जहाँ भी आप देखते हैं गरीबों को, दुखियों को, ये बड़ा टेरेबल टाइम है, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं. मैं ये काम करता रहता हूँ जगह जगह जाके लोगों को ब्लेस करने का. And I don't want to broadcast, I don't want to do publicity of those things. I will never do that. उसकी publicity नहीं करता, ना कोई हम images, photos डालेंगे Facebook पे. I won't do that. हम ये करते रहते हैं regular, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, प्रभु के लोगों की सहायता करने के लिए. तो ये बड़ा एक अजीब सा season है ज़मीन के ऊपर. मैंने अपने जीवन काल में ऐसा समय नहीं देखा, और मैं सोचता हूँ आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा जो टाइम इस समय ज़मीन के ऊपर है. तो बहुत परमेश्वर के आगे हमें टूटे दिल के साथ रहना है, विद पेनिटेंट हार्ट, विद अ रिपेंटेंट स्पिरिट, विद ह्यूमिलिटी. एंड वी हैव टू लेट द लॉर्ड नो दैट वी लव यू. वी डोंट लव मनी, वी डोंट लव मटीरियल थिंग्स. खुदावंद हम तुझे प्यार करते, इस एटीट्यूड में चलना है. प्यारे खुदावंद, मैं मीनू सूद को भी आपके लहू में छिपाता हूँ, इनके पति को, इनके ख़ानदान घराने को आपके खून में छिपाता हूँ. खुदावंद हालेलुया. मीना कुमारी के लिए इंग्लैंड में विशेष प्रार्थना करता हूँ. सुनीता कौर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके ख़ानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ. आपकी बेटी दविंदर कोलर को आपके लहू में छिपाता हूँ, उनके घराने ख़ानदान के लिए आपकी आशीष को खोलता हूँ. बहुत से लोग शायद कुछ लोगों के लिए अलग अलग टाइम जोन के लोग हैं हमारे संग जुड़े हुए. प्रभु आपका धन्यवाद. कल अर्ली मॉर्निंग आपसे मिलूंगा और प्रार्थना करेंगे अर्ली मॉर्निंग. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. ये मिरेकुलसली लाइट हमारे रूफ टॉप की जल गई आज, पहले चली नहीं, तो हम ये स्टडी कर पाए. खुदावंद आपको बरकत दे. हालेलुया. खुदावंद का नाम ऊँचा हो. जय यीशु मसीह की.